हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा, आज आपको नारद जी के विषय में बताऊंगा और नारद जी के विषय में लिखे हुए ग्रंथों के विषय में बताऊंगा। ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, छोटा वीडियो बना रहा हूँ। तो नारद जी के नाम पे कौन कौन से ग्रंथ प्रकाशित होते हैं? देखिए, व्यास जी कृत अनेक ग्रंथ हैं, उसमें अनेक पुराण भी हैं। तो नारद जी भक्ति के लिए जाने जाते हैं, नारद जी ज्योतिष के लिए जाने जाते हैं, नारद जी ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। तो ज्ञान का ज्ञान भी है उनके पास, भक्ति भी है, ठीक है, ज्योतिष की में भी उनका हस्तक्षेप रहा नारद जी का। तो नारद जी पर चर्चा के लिए जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं वो मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। तो जो ग्रंथों से प्यार करते हैं उन लोगों के लिए खास है ये वीडियो, जो जाता को ऐसा लगता है कि ग्रंथों से, जैसे मुझे अपने अपने ही बारे में बता दूं कि मुझे ग्रंथों से बहुत प्यार है। तो ग्रंथों का संग्रह करने का मुझे शौक है, काफ़ी खर्चीला शौक होता है ये। सबसे पहले नारद पुराण होता है जो गीता प्रेस का है, ठीक है। अब ये नारद पुराण दूसरा चौखंबा का भी हो सकता है, वो काफ़ी महंगा होता है। तो ये संक्षिप्त लिखा ऊपर, तो इसमें क्या रहता है कि श्लोक वाला नहीं रहता है। बाकी जो पुराण पढ़ने में मजा आता है, पहले कोई श्लोक उसका जो तात्पर्य हो, अनुवाद सही तो ज़्यादा क्लियर होता है। लेकिन ये चीज़ नहीं, इसमें संक्षिप्त है, ऐसे दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस तरीके से लिखे हुए हैं और टॉपिक दिए हुए हैं। तो ज्योतिष में भी हस्तक्षेप है, सृष्टि की भी रचना है, और तो 18 पुराणों का भी विवरण इसमें दे दिया है, 18 पुराणों का विवरण, ठीक है। ऐसे काफ़ी लंबी विषय सूची है। तो पहली चीज़ तो हुई है कि ये नारद पुराण है गीता प्रेस का, ठीक है। और नारद जी से को चाहने वाले या नारद जी का लिटरेचर पढ़ने वाले इससे काफ़ी आनंद ले सकते हैं। फिर गीता प्रेस एक छोटी सी नारद भक्ति सूत्र निकालती है, ठीक है। नारद भक्ति सूत्र, साथ साथ में सांडिल्य भक्ति सूत्र है। जो व्यक्ति भक्ति पसंद व्यक्ति हैं उनको, वो जानते हैं कि ये नारद भक्ति सूत्र क्या चीज़ है। नारद भक्ति सूत्र में मात्र 84 जो श्लोक होते हैं, ठीक है। और इस पे टीका भी लिखी है, ये नारद भक्ति सूत्र तो गीता प्रेस का छोटा सा टीका भी है। 84 भक्ति के सूत्र हैं, बहुत ही जोरदार हैं, ठीक है। अब इसकी जो टीका लिखी है, और भी टीका होगी लेकिन मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जो टीका है नारद भक्ति सूत्र की, ये एस्कॉन की है, श्रील प्रभुपाद के द्वारा की गई ये टीका है, नारद भक्ति सूत्र टीका, ठीक है। तो ये वाला जो है नारद भक्ति सूत्र, इसकी टीका है, टीका श्रील प्रभुपाद एस्कॉन के जो फाउंडर मेंबर हैं उनकी। काफ़ी अच्छी बुक है ये भी, और सस्ती भी है, और जो है संक्षिप्त है थोड़ी, लेकिन अच्छी टीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नारद भक्ति, नारद स्मृति भी है, तिलोत्तमा संस्कृत टिप्पणी विभूषिता, ये है चौखंबा संस्कृत प्रकाशन की है नारद स्मृति, और लगभग 195 रुपीज की है ये, 195। इसमें क्या दिया है, इसमें एक्चुअल क्या है कि बहुत सारी चीज है। एक तो पहले अध्याय में तो नारद स्मृति के विषय में कुछ दिया, फिर व्यवहार व्यवहारिक जीवन में जो चीजें हैं, ऋण लेना देना आपस में, दान की क्या प्रक्रिया, दान किसको लेना, वेतन, काम संबंधित चीजें, मतलब जैसे स्त्री पुंस योग, दाय भाग, मतलब संपत्ति का बंटवारा। जैसे कि मनुस्मृति में कई चीजें लिखी थी ना, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति में कुछ चीजें लिखी है, उसी तरीके से कि संपत्ति बंटवारा किसे होना चाहिए, क्रेता का क्या कर्तव्य है, विक्रेता का क्या कर्तव्य है, उसी टाइप की चीजें इसमें दी हुई है। तो इसमें जो है, जो नारद लिटरेचर से को पसंद करते हैं, तो नारद स्मृति बड़े व्यवहारिक चीजें इसमें कुछ दी हुई है, अच्छी है, सस्ती भी है, ज्यादा महंगी नहीं है। अब ये नारद पांचरात, नारद जी ने कही है ये नारद पंचरात, ठीक है। ये मेरे पास राम कुमार राय की है, प्राच्य प्रकाशन वाराणसी, प्राच्य प्रकाशन वाराणसी का है ये, ठीक है। और इसका दाम जो है, आपको दाम भी बता देता हूँ, दाम 500 रुपये का है। और इसमें क्या है, इसमें एक्चुअल कुछ ऐसी चीज है, तो एक तो व्यासदेव और सुखदेव का संवाद है, और फिर कृष्ण महात्मा ब्रह्मा नारद संवाद है, शिव नारद संवाद है, कृष्ण भगवान कृष्ण के विषय में ज़्यादा डिटेल दी हुई है, ज्ञानामृत, भक्ति ज्ञान, भक्ति तंत्र, और राधा कवच, राधा महात्म्य। इसके बाद इसमें
गोपाल स्त्रोत, गोपाल कवच, विष्णु सहस्रनाम भी है, राधा कृष्ण सहस्त्र नाम है, वृंदावन के विषय में दिया है, महामंत्र की महिमा दी है। तो जो कृष्ण की ही महिमा है इसमें, भगवान कृष्ण की महिमा है, नारद पांच रात। ठीक है, अब एक इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, खासकर जिनको ज्योतिष से प्यार है, जो ज्योतिषी हैं, उन लोगों के लिए है भैया ये ग्रंथ, नारद संहिता। मैंने अभी तक जो बताया कि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव ज्योतिष का कोई है तो नारद संहिता है, और जो ज्योतिषी हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं उनको ये किताब खरीदनी चाहिए, नारद संहिता, बहुत अच्छी लगी मुझे। ठीक है, काफी इंफॉर्मेटिव है ये किताब। ठीक है, बहुत सारी चीजें अद्भुत है इसमें ज्योतिष की, नारद संहिता में। तो नारद संहिता में ज्योतिष का पार्ट मिलेगा आपको, बहुत ही ज्योतिष पे बहुत ही अच्छी लिखी गई किताब है। ठीक है, तो ये हुई, तो मैंने इतनी किताबें आपको नारद जी के ऊपर बताई है, और खासकर जो ज्योतिष प्रेमी हैं और जो ज्योतिष सीख रहे हैं, नारद संहिता खरीद सकते हो। कहाँ की है? अभय कात्यायन जी की है, और ये चौखंबा सुर भारती प्रकाशन की है। अब कितने की है ये भी बता देता हूँ, 650 रुपये की ये किताब है। ठीक है, इसके पीछे इस तरीके से है, ये काफी बहुत डिटेल है ज्योतिष का, कुछ कुछ बताता हूँ आपको। कुछ कुछ इसमें जैसे ग्रह 4 अध्याय हैं, ग्रहों का गोचर के फले थे, बहुत जोरदार। ठीक है, और संवत्सर के बारे में दिया है, बुध का 4, गुरु का 4, संवत्सर के फल हैं। ठीक है, जो संवत्सर, कितने संवत्सर होते हैं, 60 प्रकार के संवत्सर होते हैं, उनके फल है। ठीक है, तिथियों के बारे में दिया है, वार लक्षण के बारे में दिया है, नक्षत्र योग लक्षण, और मुहूर्त दिया है, मुहूर्त भी बहुत अच्छा है इसमें, संक्रांति विचार दिया है, चंद्र तारा बल, सर्व लग्न अध्याय, गोचर अध्याय, बहुत डिटेल है यार, मुहूर्त का तो बहुत बड़ा टॉपिक है, विवाह अध्याय। तो एक अकेली किताब में इतने टॉपिक कवर किए हैं, और चूंकि नारद संहिता है बड़ी ऑथेंटिक भी है, इसका रेफरेंस भी मिलता है। अच्छा, मैंने ये सारी चीज़ें आपको क्यों बताई, जो व्यक्ति अध्यात्म का लिटरेचर पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ोगे कभी गहराई में जाओगे, जो किताबों से प्यार करता है वो जानता होगा, आपने नारद पांच रात, नारद स्मृति, नारद पुराण, और नारद भक्ति सूत्र, और नारद संहिता, इनके रेफरेंस मिलते हैं, इनको कोट किया जाता है, जो लेखक लिखते हैं इनको कोट करते हैं, रेफरेंस देते हैं कि ये चीज नारद भक्ति सूत्र में लिखी है, ये नारद स्मृति में लिखा है, ये नारद पुराण में लिखा है, ये नारद संहिता में लिखा है, ये नारद भक्ति सूत्र में लिखा है। ठीक है, इसीलिए नारद पे जो लिटरेचर है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये रही नारद जी पे एक छोटा सा वीडियो है, उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे मैं और भी जो है इस तरीके से किताबों के विषय में, काफ़ी मेरा किताबों का बहुत भंडार है, आए दिन मैं किताब लेता ही रहता हूँ। ठीक है, तो मैं जो भी किताबें हैं उसको मैं धीरे धीरे बताते रहूँगा। मैंने बहुत लंबे समय से सोच रखा था कि किताबों पे बहुत कुछ बताना है, लेकिन कभी कभी ज्योतिष के वीडियो आ जाते हैं, कभी कुछ और आ जाता है, कभी कुछ और आ जाता है, तो उस तरीके से टलते रहे। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास जितने ग्रंथ है उससे सभी को मैं अवगत करा दूं। ठीक है, मैं पुनः कहता हूं कि यदि कोई ज्योतिष से प्यार करता है, सीख रहा है, तो नारद संहिता उसको ले लेनी चाहिए। थोड़ी सी महंगी किताब है लेकिन काफी इंफॉर्मेटिव है और ऑथेंटिक है। ठीक है, इसको ले सकते हो आप। तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए मैंने बनाया हूँ, नमस्कार बोल के वीडियो को मैं बंद करता हूँ। हरे कृष्णा।